सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग यहाँ पे डर्मा रोल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इससे पहले आपको पता है, अगर आपके पास बियर्ड नहीं है तो आपको कितने सारे ताना चो सुनने पड़ते हैं। आपके दोस्त वगैरह होते हैं जो आपको अनबन सुनाते रहते हैं, तो आपको उस टाइम बहुत बुरा लगता है ना, काश मेरे पास कोई बियर्ड होंगे। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं दोस्ती, भी रहने के बाद साल से आपकी दाढ़ी ग्रो हो जाएगी। एंड मैं तो 90% चांस देता हूँ, अगर इस टिप्स को अगर फॉलो करोगे तो 100% आपका दाढ़ी जी निकल निकल आएगी। 4-5 महीना टाइम देना पड़ेगा आपको, और आपके पास अगर अच्छी ग्रोथ वाली बेड़ आ तो मैं जाएगी। बात कर रहा हूँ डर्मा रोलर और मेडोक्सिल एक साथ यूज करने के फायदे, ठीक है। तो देखिए, डर्मा रोलर और मेडोक्सिल आपको दोनों दे रहा है, क्योंकि एक से आपको अच्छी रिजल्ट देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, लेकिन जब दोनों यूज करोगे तो बहुत जल्दी, अगर आपको लो बियर्ड सोल्यूशन है, मतलब आपके एकदम बियर्ड है ही नहीं, तो आपको दोनों यूज करना पड़ेगा। उस केस में आपको दोनों यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको बता दूँ यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो है एक अच्छे फेस वाश से धो देना है, इसके बाद आप डर्मा रोलर आता है, आपको पता है 0.5 mm, ठीक है, मतलब डर्मा रोलर मिलता है। आप यहीं से 0.5 mm का एक डर्मा रोलर ले लेना है, ज़्यादा प्राइस का नहीं है दोस्तों, 300 से 400 के बीच में आ जाता है। इसके बाद आपको बता दूँ उसमें जो होते हैं सीवी होते हैं, छोटे छोटे सीवी होते हैं, आपको क्या करते हैं, आपके जो डेड स्किन यानी रहता है ना, उसको पूरा ख़त्म करके न्यू स्किन बनाती है। और आपको बता दें, ये बियर फॉलिकल जो होती है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके कारण आपको जो है वो, जब आप पूरा फेस में लगा, मतलब उसको जब यूज कर लोगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ऐसे यूज करना है। इसके बाद क्या होता है, आप फॉलिकल जो इंक्रीज होता है, इसके बाद अगर मेडोक्सिल लगाते हो, इसके बाद जो मेडोक्सिल लगाने के बाद वो छोटे छोटे जो अंदर जाते हैं, तो इसमें आपको बूस्ट देखने को मिलता है बियर्ड में। आपको बियर्ड फॉलिकल जो बनते हैं उसमें आपके नए नए बेबी हेयर आ जाते हैं, और म्यूनिटिसल का काम होता है कि आपके बियर्ड उगाने का, वो ख़तरनाक से उगा देगा आपको बेबी हेयर। और डर्मा रोल लगाते लगाते, दोनों यूज़ करते करते, आपके जो बेबी हेयर थे वही टर्मिनल हो जाएंगे, और आपको अच्छी खासी बियर्ड ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। काफ़ी सिंपल यूज है, आप मैंने आपको बता दिया हूँ, और भी वीडियो में बताया हूँ, फिर भी आज यहाँ पर बता दिया हूँ। एंड ये दोनों जब यूज़ करोगे लगातार, आपको बता दूँ मेरे से, आपको डेली यूज़ करना है सोने से पहले। और जो है आपको बता दूँ, यहाँ पर डर्मा रोल डेली यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक, मतलब सोने से पहले ही, मतलब मेडोक्सिल लगाने से 10 मिनट पहले या फिर 5 मिनट पहले ही लगाना है। और आपको बता दूँ, हफ्ते में 2 से 3 बार ही लगाना है, पहले पहले डेली यूज़ नहीं करना है। मैं तो बोलता हूँ कि आप वक्त हफ्ते में 3 बार ही लगाना, मतलब यूज़ करना, ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक। लेकिन मेडोक्सिल आपको डेली अप्लाई करना है, लेकिन मेडोक्सिल से कोई आपको यहाँ पे फिर देखने को नहीं मिलता है, मतलब साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, हल्के फुल्के पिंपल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डर्मा रोलर यूज़ करोगे उसकी वजह से आपको पिंपल फिर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो डेड स्किन होती है उसको पूरा डर्मा रोलर ख़त्म कर देते हैं। उसमें जो सुई होती है उसमें बियर जो होती है बियर फॉलिकल उसको इंक्रीज करता है। और उस टाइम जब मेडोक्सिल लगाते हैं तो मेडोक्सिल का बुंद जो है अंदर जाता है, तो काफ़ी अच्छी आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। काफ़ी सिंपल यूज है दोस्तों, ये दोनों आप यूज़ करके देखो, 100% रिजल्ट मिलेगा। बात करेंगे दोस्तों कब तक रिजल्ट मिला, देखिए 2 से 3 महीने के बीच आपको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन टर्मिनल करने के लिए आप बता दो, आपके हिसाब से किसी को 6 महीना 7 महीना भी टाइम लग सकता है, साल भर भी लग सकता है। लेकिन जब आपका बियर्ड आ जाएंगे, आपको हिसाब से आपको पता चलेगा कि मेरा कितना इंक्रीज होता है, सबको एक जैसा नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, आपको यूज़ करना है, आपको जिस टाइप का मतलब स्किन है, जैसे ऑयली स्किन होता है, थोड़ा सोलो मतलब सोला जो है ना, सोलो वर्क करता है, उसके लिए बियर्ड गमी आता है, बाइटून आता है, आपको वो यूज़ करना है, क्योंकि आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं हो तो कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे फिर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।